मेरी कविता का विषय है प्रकृति और प्रकृति में उपवन की सौंदर्यता। उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु भू पर आया है? उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु भू पर आया है? अधीर युधि के पुष्प गुच्छ किसका अभिवादन करते हैं? किस आगंतुक के पथ को जुगनू ज्योत से भरते हैं? नील पद्म की पंक्तियां, नील पद्म की पंक्तियां निशा का अद्भुत श्रृंगार, जल के तन पर विस्तृत रश्मि का चंचल विस्तार, रत्न जड़ित दुर्वा आच्छादित। ये सिर्फ शब्दों की कविता है, इसमें वाक्य नहीं है। प्रसाद और पंथ की याद दिलाते हैं। रत्न जड़ित दुर्वा आच्छादित, लताएं द्रुम पर हो आश्रित, है किसकी सुंदरता प्रदीप्त उपवन के यौवन में मिश्रित। उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु भू पर आया है? अली अली भौरे को कहते हैं, अली दृश्य नहीं इस पल, अली दृश्य नहीं इस पल कलियां उन्मादित है किससे? अली दृश्य नहीं इस पल कलियां उन्मादित है किससे? प्रत्यक्ष नहीं क्यों लोचन को, हुई उपवन की सज्जा जिससे? आसक्ति छींटती पग पग पर, आसक्ति छींटती पग पग पर, है देव गंध या भ्रम कोई? आसक्ति छींटती पग पग पर, है देव गंध या भ्रम कोई? चंचल सी कोपल पर कोपल, ऐसा बहुत रेयर होता है सावन में जब कोपल के ऊपर कोपल खिल जाती है, कोपल अकेले ही खिलती है। आसक्ति छींटती पग पग पर, है देव गंध या भ्रम कोई? चंचल सी कोपल पर कोपल, दूसरी पंक्ति है, कोपल पर कोपल पर कोपल, क्या रति रचित है क्रम कोई? क्या रति रचित है क्रम कोई, है देव गंध या भ्रम कोई? मधुजल मधुजल मग्न मृणाल पटलियां, मधुजल मग्न मृणाल पटलियां, श्रृंगार सब तक बोलती, अंतरंग स्पर्श पाकर किस नाद के वश डोलती, किस नाद के वश डोलती? दिव्य किसी निराकार को पुष्पक धरा पर लाया है, उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु भू पर आया है? धन्यवाद।